بسم الله الرحمن الرحيم स्टूडेंट uh, कंफर्म कर दीजिएगा हैंड रेस करके कि मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही जी आप लोगों को हैंड रेज कर दें प्लीज बाकी लोगों को नहीं आ रही आवाज़ देखो जरा ठीक है जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को ओके okay. अच्छा जी ऐसा है कि आ, ये थोड़ा सा सारा सिस्टम दोबारा रीवैम्प किया है इसका ऑनलाइन वाला तो हमें थोड़ी सी आज प्रॉब्लम आ रही थी एनी वेज सॉल्व डन नाउ एंड एवरी थिंग इज ओके तो इस वजह से ये थोड़ा सा लेट है अच्छा जी कितने लोग हैं क्लास में ओके अच्छा स्टूडेंट बात ऐसे है कि हमने जो सिलेबस पढ़ना है वो बेसिकली इसको हम कैफ क्या कहते हैं so, कैफ टू फाइव कैफ फाइव सॉरी एफ आर एफ आर वन है ये कैफ फाइव एफ आर वन कह दें कैफ फाइव कह दें सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इसके सिलेबस का एक अनालिस है unlike introduction to accounting for one uh, sorry introduction to accounting unlike iska syllabus bahut thoda hai matlab agar hum intro ke syllabus mein jate hain to wo syllabus kyunki uske andar basics involve hain bahut zyada syllabus hai और फिर कॉन्सेप्ट भी create करना होता है शुरू में इसलिए भी वो थोड़ा सा हमें lengthy ही लगता है लेकिन इसका जो सिलेबस है वो आ, हकीकत में लेंथ नहीं है हाँ चैप्टर हैवी वेट चैप्टर जरूर है लेकिन सारे का सारा जो नॉलेज हमने इंट्रोडक्शन में गेन किया उसकी एप्लीकेशन है यहाँ पर तो एक अजीब सा काम है इस सिलेबस के अंदर जो कि अल्टीमेटली जो नया सिलेबस थ्री वेम फोर है उसमें जा रहा है वो एडजस्ट किया जा रहा है वो ये है कि यहाँ जो प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर टाइटल दिया हुआ है शायद पहला वो दरअसल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है ठीक है ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट्स इंटरप्रिटेशन लेकिन आ, ये सारे का सारा क्या है ये दरअसल पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है ये एक ही एक ही टॉपिक है इसके अंदर और वो क्या है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी हाँ जी वो वो बाद में बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन पहला चैप्टर बात कर रहा ठीक है आ, और दूसरा जो टॉपिक इसके अंदर आएगा प्रेपरेशन स्टेटमेंट के अंदर वो कैश फ्लो है आपको याद है आपने इंटर लेवल के ऊपर पढ़ा है कि जी पांच कंपोनेंट हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अः इनकम स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है नोट अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू दी अकाउंट्स है अकाउंट्स कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि जो बाकी चार स्टेटमेंट्स हैं उनकी वर्किंग्स को कहते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करनी होती है तो इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन आपने इंट्रो लेवल के ऊपर पढ़ ली ये अलहदा बात है कि वो एज पर एज पर कंपनीज एक्ट जो है फोर्थ फोर्थ शेड्यूल के मुताबिक या फिफ्थ शेड्यूल के मुताबिक हमने कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाए लेकिन बहरहाल हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए बेहतर होता अगर इस इस सिलेबस uh, के अंदर एक चैप्टर प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द लिमिटेड कंपनीज भी शामिल किया जाता ताकि बच्चों को जो थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो सोल और पार्टनरशिप और कंपनी में डिफर कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट भी उनको दे दिए जाते लेकिन अब वो सारा काम हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में करना पड़ेगा हम जहा है इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन दोबारा तो नहीं बनाएंगे लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि सोल ट्रेडर की फाइनेंशियल uh, स्टेटमेंट में नहीं आते लेकिन uh, जो एक लिमिटेड uh, कंपनी है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते हैं उनकी समझ होना जरूरी है और uh, ये जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पहला ही चैप्टर है इसको समझने के लिए उन कॉन्सेप्ट का जानना भी जरूरी है तो हम ऐसा कोई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या स्टेटमेंट ऑफ इनकम इस चैप्टर में नहीं बनाएंगे लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ कर उनको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की आ, 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 कोशिश करेंगे डेफिनेटली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर दूसरा जो चैप्टर है जो प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करता है वो दरअसल कैश फ्लो स्टेटमेंट है ठीक है वो भी फाइनल अकाउंट ही है अगर आपको पीछे आई थिंक चैप्टर नंबर फाइव है पर चैप्टर नंबर मेरे आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली चैप्टर तो है उसके बाद जो तीसरा एक टॉपिक है उसे भी हम फाइनल अकाउंट ही कहेंगे वो दरअसल जो सिंगल एंट्री जिसे आप आम उर्फ आम लोग कहते हैं वो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो है वो कह देते हैं वो चैप्टर भी हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद है तो वो हम uh, बनाएंगे uh, सीखेंगे जी अगर हमें ट्रायल नहीं दिया हुआ और हमें इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट वे में दी हुई है तो हमने उससे फाइनल अकाउंट जो है वो किस तरह से बनाने हैं तो ये तीसरा टॉपिक जो है इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से बनेगी हाँ मैं बताने लगा हूं ना इसके अलावा जो जिस चैप्टर का ताल्लुक फाइनल अकाउंट से है वो क्या है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ठीक है ये सिलेबस के अंदर ये एक स्लाइड मैंने सामने रखी हुई है तो बेसिकली सिलेबस के अंदर इसका ग्रेड मुखलिफ जगहों पे है लेकिन मैं एक ओवरऑल सिलेबस का अता कर रहा हूँ मैं इस ग्रिड के साथ नहीं चल रहा ठीक है Uh, और चौथी चौथा जो चैप्टर है वो है आ, अपना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट अकाउंट बेसिकली ये भी फाइनल ही है मैं आपने मैंने आपको चार चैप्टर गिनवा दिए हैं ठीक है ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इसके अंदर भी क्या होगा इसके अंदर भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बनाएंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बनाएंगे कैश फ्लो के अंदर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं बनाएंगे लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नॉलेज अप्लाई होगा और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे लेकिन फाइनेंशियल uh, स्टेटमेंट जब मैं कहता हूं तो मेरी मुराद इस वक्त यह है कि इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है वैसे तो ये कैश फ्लो भी और स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है तो इनकम अपना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हुए भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नॉलेज ही यूज करेंगे तो तय यह हुआ कि इस सिलेबस के अंदर चार चैप्टर तो फाइनल uh, अकाउंट के गिर्द घूमते हैं ठीक है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फाइनल अकाउंट आता है तो अटेप कर सकेंगे रट्टा मार लेगा कोई लेकिन जो रू है उसकी वो तभी तो पता चल सकेगी कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट आते होंगे अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होगी फाइनल अकाउंट की अक्रूवल बेसिस की तो हम अटेम्प्ट कर सकेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बनाने ही फाइनल अकाउंट है लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से इनकम एक्सपूर्च अकाउंट बनाने ही फाइनल अकाउंट्स हैं लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से तो मैं स्टूडेंट्स को ये कहा करता हूँ कि इस सिलेबस का कम अज कम सिक्सटी परसेंट जो है वो ये चार चैप्टर हैं सिक्सटी नहीं तो फिफ्टी परसेंट डेफिनेटली ये चार चैप्टर हैं अभी हमारा जो पेपर आया है उसके अंदर अच्छा खासा इस पोर्शन को उसने जो है वो आ, जो है वो किया है आ, टेस्ट किया है। तो इसके अंदर जो ग्रिड में पहला पोर्शन दिया हुआ है प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई एफ आर एस एंड इट्स इंटरप्रटेशन इंटरप्रटेशन जो है एक चैप्टर आएगा यहाँ पर रेशियोज का अगेन मैं ये कहूंगा कि वो भी फाइनल अकाउंट ही है पांचवा आपको फाइनल अकाउंट आते होंगे आपको बैलेंस शीट के डिफरेंट आइटम्स का नॉलेज होगा आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अपना इनकम स्टेटमेंट के डिफरेंट एलिमेंट का नॉलेज होगा देन यू कैन प्रिपेयर दी रेशोज इंटरप्रेट कर सकेंगे उसको इंटरप्रटेशन से मुराद ये है कि टू एलेबोरेट डिफरेंट रेशल तो अल्टीमेटली ये जो इंटरप्रटेशन है ये भी हमें फाइनेंशियल uh, स्टेटमेंट के नॉलेज के साथ ही होगी तो टोटल हमारे चैप्टर हैं इसके अंदर कितने हैं जी जरा नहीं टोटल चैप्टर कितने हैं ग्यारह yeah. चैप्टर हैं ये मैंने आपको पांच चैप्टर गिनवाए हैं कौन सा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ठीक है कैश फ्लो स्टेटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंज अपना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और पांचवा मैंने आपको बताया रेशोज ये पांच चैप्टर uh, जो है वो uh, फाइनल अकाउंट के अलावा ये कोई चीज नहीं है ये सारे का सारा क्या है ये बेसिकली फाइनल अकाउंट ही है ठीक है ये देखें हमारी तो पेंसिल शेंसिल भी आज सामने पड़ी है अच्छा सारी चीजें यार जो दोबारा हो रही है ना जी तो इसलिए थोड़ा सा बहरल वो यार रेगुलर ना हो इन शह अच्छा जी ये देखें ये जो ये चैप्टर है जो मैंने आपको गिनवाया ठीक है ये क्या है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी लिखा जा सकता है ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकिन उसका सिर्फ एक कंपोनेंट फाइनल नहीं बनाने हैं इस चैप्टर के अंदर फिर है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस ठीक है जी कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है ये भी फाइनल अकाउंट है मैंने भी आपको बताया कि हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और कंपनी अपना स्टेटमेंट ऑफ कंपनी हमसे इनकम से कैश फ्लो इंटरप्रेट करनी है तो ये भी फाइनल अकाउंट का ही नॉलेज है <coughs> उसके बाद ये तरतीब चेंज की पहले थोड़े आगे पीछे थे Anyways, तो income and expenditure account भी क्या है फाइनल अकाउंट ही है ठीक है मैंने आपको बताया प्योरली फाइनल अकाउंट है खासकर ये जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हैं, ये जो फलाही हैं, फला हैदारे हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं वो इसमें किया then, किस तरह से करनी है और उसके बाद ये जो मैंने अभी आपसे पांचवा चैप्टर जिक्र किया इंटरप्रटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जी रेशोज क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंटरप्रटेशन हमने करनी है ठीक है और ये पांचों के पांचों क्या हैं ये फाइनल अकाउंट का नॉलेज है उसके बाद ये जो पहला चैप्टर है ये जिसको भी मैं स्केयर कर रहा हूँ ये बेसिकली इंट्रो वाले चैप्टर की रेपटेशन है आधी से ज्यादा कॉन्सेप्ट हैं मतलब थ्योरी है कोई इसके अंदर सवाल नहीं करना कोई कुछ नहीं करना तो भाईजान आधा सिलेबस तो निकल गया फाइनल अकाउंट में आधे से ज्यादा निकल गया कितने चैप्टर निकल गए छः चैप्टर निकल गए ठीक है और चैप्टर कितने हैं ग्यारह है उसके बाद क्या रह गया उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं फिक्स कॉस्ट क्या होती है वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है टोटल कॉस्ट क्या होती क्या है ओवरहेड्स क्या हैं ठीक है थोड़ा सा मैथमेटिकल नॉलेज है कि अगर फिक्स कॉस्ट पता हो वेरिएबल कॉस्ट पता हो वेरिएबल कॉस्ट पता हो यूनिट पता हो फिक्स कैसे निकालनी है ठीक है फिक्स पता हो यूनिट पता हो वेरिएबल कैसे निकालनी है इक्वेशन इक्वेशन के जरिए हम छोटी छोटी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो अटैम्प्ट करेंगे तो देर इज नथिंग स्पेशल इन दिस ऑल्सो ये जो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अकाउंट है उसके बाद ये चैप्टर नंबर सेवन हमारा पुराना चैप्टर है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ठीक है जिस लेवल पे हमने इंट्रो पे इसे छोड़ा था वहाँ कैसे कहाँ छोड़ा था वहाँ छोड़ा था कि जी कैसे होती है डेप्रिसिएशन के कितने मेथड हैं है उन मेथड्स के तहत कैसे चार्ज करनी है कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या है कैमुलेटेडिएशन क्या है डिस्पोजल क्या है ये भी पढ़ लिया है अब उससे आगे जाना है याद है आपको इंटरव्यू बताया था कि जब ये एसेट री वैल्यू होंगे तो फिर क्या करना है एक एसेट जो है वो अपनी यूजफुल लाइफ के आठवें साल में बुक्स के अंदर उसकी वैल्यू जो है वो हमने खरीदा हज़ार का था बुक्स के अंदर उसकी वैल्यू जो है आठ साल बाद तीन सौ रह गई है लेकिन मैनेजमेंट ये एस्टिमेट करती है कि इसकी जो कैरिंग वैल्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर है वो इसकी फेयर वैल्यू से कम है इसकी फेयर वैल्यू ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे हमारे पास ऑप्शन है कि हम आ, उस एसेट को फेयर वैल्यू पर ले जा सकते हैं तीन सौ की चीज को पाँच सौ का कर सकते हैं सात सौ का कर सकते हैं ठीक है वो कैसे करेंगे वो वाला जादू जो है वो सीखेंगे इस चैप्टर नंबर सेवन के अंदर ठीक है देर इज अगेन नथिंग स्पेशल इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट चैप्टर जो कि हम इंट्रो में कर चुके हैं ठीक है उसके बाद ये जो इम्पेयरमेंट ऑफ एसड का एक चैप्टर है अगेन ये दोनों चैप्टर आपस में रेलिवेंट है ठीक है इसके अंदर भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की इंपेयरमेंट का जिक्र करना है कि जब एसेट की रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है कैरिंग वैल्यू तो हमें पता है ठीक है रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है और रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग वैल्यू से कम हो तो क्या करना है कैरिंग वैल्यू से ज्यादा हो तो क्या करना है रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करना सीखेंगे बहुत आसान सा चैप्टर है ठीक है इसे भी हम अटेम्प्ट करेंगे ये अगेन ये भी आई एस सिक्सटीन के साथ ही मैं इसको भी अटैम्प्ट कर लूंगा जो ही मैं आई एस सिक्सटीन करूंगा साथ ही इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट अच्छा ये इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट है ये जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है ये कोई भी एसेट जो है वो इम्पेयर हो सकता है तो खैर वहां जाके जो टेक्निकल इसका नॉलेज है उसे एलेबोरेट करेंगे उसके बाद एक चैप्टर है जी चैप्टर नंबर ये मैं इसको ट्राइंगल लगा रहा हूँ आई एफ एर एस फिफ्टीन ये चैप्टर लेंथी है अच्छा खासा लेंथी है और आप देखें पेज नंबर फोर एटी वन से स्टार्ट होके बुक के अंदर ये फाइव थर्टी टू तक चलता है चैप्टर नंबर ग्यारह स्टार्ट हो कब कहाँ से होता है फाइव थर्टी टू से तो ये बीस और पचास पेजिस का ये चैप्टर है ठीक है बाकी चैप्टर जो हैं वो भी लेंथ में हैं लेकिन ये सारे के सारे पचास पेजेस औरों के भी पचास पेज हो सकते हैं ठीक है पहले चैप्टर के बीस पेजेस हैं दूसरे के फिर कोई पच्चीस तीस पच्चीस छब्बीस पेजेस हैं तीसरे के फिर ये पचपन पेजेस हैं इनकेचर अकाउंट के अंदर ठीक है और फिर नाइन्टी पेजेस हैं प्रेपरेशन ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के ठीक है इनकी वजह ये है कि इनके अंदर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है जो एग्ज़ाम क्वेश्चन है वो काफ़ी सारे दिए हुए हैं तो ये चैप्टर भी पचास पेजेस पे है लेकिन इशू क्या है इशू ये है कि ये पचास के पचास पेज जो हैं ये थ्योरी है और छोटे छोटे सवाल हैं इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करती है रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के पैरामीटर्स क्या हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की टाइमिंग क्या है यार बंद कर देते चल रहा है ना नहीं चल रहा आवाज किसकी आ रही किसकी आ रही अच्छा सॉरी तो पैरामीटर्स जो हैं वो क्या है रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के ठीक है मसलन एक कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो अपना रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेगी जिसकी एक प्रोडक्ट एक ब्रिज है जो कि के किसी कैनाल के ऊपर बन रहा है किसी रिवर के ऊपर बन रहा है तो वो ब्रिज तो सालों साल लगा देगा बनते हुए मे भी साल लग जाए चार साल लग जाए तो क्या जब ब्रिज मुकम्मल होगा तब रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है या हर साल रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है हर साल करना है तो क्या तरीका का है उसका ठीक है फिर जो लोग लीजिस के ऊपर काम करते हैं वो लीज वाले अपना रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेंगे ठीक है ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं लाइक मैं हूँ टीचर हूँ तो ये जो अदारा है कॉलेज है ये अपना रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेगा ठीक है क्या आपने फीस दे दी तो आज मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लू या मुझे उसके लिए भी कोई मेथड जो है उसको लेकर के चलना पड़ेगा तो अल्टीमेटली ये जो रेवेन्यू की रेक है ये पूरी दुनिया का रेवेन्यू रेकग्नेशन मॉडल इस स्टैंडर्ड में डिस्कस होता है ये प्योरली स्टैंडर्ड है ठीक है ये प्योरली क्या है ये प्योरली स्टैंडर्ड है आई एफ एर एस फिफ्टीन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ठीक है ये इन, कुछ स्टैंडर्ड जो उन्हें हम आई बोलते हैं इसलिए कि जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड की रिविजन हो के हो के जो, जो नए स्टैंडर्ड आ रहे हैं ठीक है आ, उन्हें हम आई भी कहते हैं तो ये जो आई है ये रिवाइज जो अठारवा स्टैंडर्ड था आई 18 एस एटीन उसका नाम था उसको रिवाइज करके Uh, और दो तीन और स्टैंडर्ड जो हैं वो मर्ज करके जब चैप्टर पे जाऊंगा तो ये बेसिकली आई थिंक चार स्टैंडर्ड्स को एब्सलीट uh, करके ये स्टैंडर्ड क्रिएट किया गया है तो ऑब्वियसली उन चारों स्टैंडर्ड का जो सब्जेक्ट मैटर है यानी वो वाले सिचुएशन जो ये चार स्टैंडर्ड डिस्कस करते थे वो अभी से एक स्टैंडर्ड में डिस्कस होंगी तो ऑब्वियसली उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा uh, आप समझ लें कि ये थ्रेटिकल है कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो नॉन रूटीन है हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हमारे सामने हम उनसे उन हमारा एक्सपीरियंस नहीं हुआ हुआ लिहाजा उनको भी डिस्कस किया गया है सो so, इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी है ये वाला चैप्टर एंड देन एट द एंड देर विल बी ए चैप्टर कॉल्ड नॉन करंट एसेट सेंडरी स्टैंडर्ड्स का नाम इसको दिया गया है ठीक है जी ये वाला जो चैप्टर है ये जिसको अब मैं ब्लॉक कर रहा हूँ चैप्टर नंबर एट ठीक है जी इसके अंदर मेरा ख्याल तीन स्टैंडर्ड है जी इसके अंदर तीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्कस किए गए ठीक है, है? आ, वो तीनों स्टैंडर्ड जो हैं अल्टीमेटली वो बहुत अहम भी हैं और एक गवर्नमेंट ग्रांट्स का है उसके अंदर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ग्रांट्स को किस तरह हमने हैंडल करना है डील तो करना है ठीक है इसके अलावा गवर्नमेंट ग्रांट्स हो गया जी हाँ बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड है बिल्कुल बोरिंग कॉस्ट से मुराद ये है कि जब हम लोन लेते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं क्या उस इंटरेस्ट को बोरिंग कॉस्ट कहते हैं क्या वो हमेशा बोरिंग कॉस्ट कहलाता है उस बोरिंग कॉस्ट को करना क्या है क्या वो आ, हमारा एक्सपेंडिचर एक्सपेंस है या वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और बोरिंग कॉस्ट जो है अगर हमारा एक्सपेंस है तो क्या आ, किन क्या हर तरह की बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस है तो इसके ऊपर भी हम इनशा ताला बात करेंगे और गवर्नमेंट ग्रांट्स जैसे मैंने बताया इसके ऊपर बात करेंगे और तीसरा स्टैंडर्ड कौन सा है हाँ जी इसके अंदर तीसरा स्टैंडर्ड जो है ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का है अगेन इट इज़ सम अकाउंटिंग फॉर द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बट ये वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होते हैं जो कि परमानेंट एप्रिसिएशन के लिए रखे जाते हैं दे आर नॉट कैश जनरेटिंग यूनिट्स एट द टाइम ठीक है तो लिहाजा उनकी अकाउंटिंग भी पड़ेंगे जी ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं इनको हम किस तरह से अकाउंट फॉर करते हैं तो ये एक सिलेबस का ओवरव्यू है ये का क्या है ओवरव्यू है तो आपने नोटिस किया होगा कि इसमें फाइनल अकाउंट का एक मेजर पोर्शन है ठीक है इस दफा जो पेपर आया है जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का क्वेश्चन आया जी ठीक है जी कैश फ्लो का क्वेश्चन आया ठीक है? है तो अल्टीमेटली मेजर जो पार्ट ऑफ सिलेबस है वो यहाँ से कवर हो जाता है फाइनल अकाउंट है पांच चैप्टर ठीक है प्रेपरेशन uh, ठीक है उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश लोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रेपरेशन ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और देन रेशो ये पांचों के पांचों चैप्टर जो हैं आपको अगर फाइनल अकाउंट नहीं आते तो आप इनको अटैम्प्ट नहीं कर सकते ठीक है लिहाजा स्पेसिफिकली फाइनल अकाउंट सिर्फ बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में लेकिन बाकी तीन चैप्टर जो हैं वो फाइनल अकाउंट के नॉलेज के साथ ही अटैम्प्ट होने हैं तो कल इनशा तला हम लोग स्टार्ट करेंगे जी इनशाला हम इसका जो चैप्टर नंबर टू है इससे हम स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर नंबर टू पढ़ाऊंगा उसके बाद फिर ये जो रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट है इनके ऊपर हम जाएंगे ठीक है चैप्टर नंबर वन बाद में करेंगे ताकि स्टार्ट में ही कोई थोड़ी सी आप समझ लें कोई दुआधार बैटिंग होनी चाहिए ठीक है तो इन शाह कल हम ये जो चैप्टर नंबर टू है प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इससे हम शुरू करेंगे इसके अंदर मेन मैंने आपको बताया जो टॉपिक है हमारा वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है लेकिन उससे पहले कुछ मामला डिस्कस करने हैं उनके ऊपर बात करके तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है हम कल इनशा चैप्टर नंबर टू शुरू करेंगे ठीक है आज चीज़ें सारी ऑनलाइन सेट हो गई हैं कल हम आगे किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड हैंडरेज करके पूछ सकते हैं किसी का कोई क्वेश्चन है ठीक है जी थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लस्ट यू कल इंशाल्लाह इससे आगे चलें